हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, बॉम्बे, नागपुर या हमारे हॉस्पिटल से वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ मनोरोग तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में हम भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं। काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं पेट विकार लेके, तो पेट विकार का मानसिक कनेक्शन क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या होता है कि ब्रेन को कुछ भी तनाव या स्ट्रेस आता है तो वो कोई ना कोई ऑर्गन चूज करता है अपने बॉडी का। मतलब कोई किसको स्ट्रेस या तनाव आएगा ना, तो वो ब्रेन ने समझो किसी का हार्ट चूज कर ली। चूज करना मतलब उसका उसका मतलब सिलेक्शन कर ली, उसको चुनाव कर लिया उसका। तो फिर सब लक्षण जब जो उसको तनाव आएगा ना, सब लक्षण उसको हार्ट के दिखेंगे। फिर उसको अटैक आ सकता है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हार्ट के बारे में आ सकते हैं। कोई किसको स्ट्रेस आ गया तो उसका ब्रेन क्या करता है, उसका ब्रेन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, श्वसन संस्था, उसको चूज कर लेता है। और फिर उसके विकार, दमा, दम लगना, उसको वो इकार अस्मा का हो सकता है। तो फिर कोई लोगों को जब जब स्ट्रेस या तनाव आता है तो उसका ब्रेन जो है वो पाचन संस्था को चूज करता है। पाचन संस्था मतलब पेट, और वो पेट मतलब सिर्फ पेट नहीं है, मुंह से लेके जबान से लेके नीचे एनस तक, जहाँ से आपको संडास होती है वहाँ तक, ये पूरी पाचन संस्था है। जहाँ से लेटरिन होती है एनस, एनल रीजन जो है वो पूरा। अब लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तनाव तो कुछ नहीं है, मैं विचार तो बिल्कुल ही नहीं करता। फिर तनाव नहीं है, विचार नहीं है, तो ये तकलीफ कहाँ से हो रही है? अभी मेरे पास में एक पेशेंट आया था तो उसको मुंह में काफ़ी छाले थे, बहुत सारे छाले, और वो खुद ही बोलता है कि बीच बीच में छाले होते रहते। फिर उसको पूछा तो मालूम पड़ा कि जब जब तनाव आ जाता है उसको छाले आते हैं मुंह में। फिर एक पेशेंट अभी आया था, उसको एसिडिटी होती रहती। एसिडिटी मतलब ऐसे बहुत खट्टी ढकार आना, ज़्यादा ढकार आना, जलन होना छाती में, और फिर इतनी ज़्यादा जलन हो जाती है उसको लगता अंगार लग गए जैसे अंदर, और पूरा एसिड जो है ना स्टमक का वो ऐसा पूरा बाहर आते रहता है, उसमें से फिर अल्सर हो जाते हैं। टेंशन आ गया कि सब ये चालू। फिर कुछ लोगों को पेट में फुगा रहना, बड़ा फूलना पेट, थोड़ा भी खाना खा लिया तो पेट फूल जाता है, बहुत एसिडिटी होती है पेट में, अंगार 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 हो जाती है, पेट बहुत फूल जाता है, और फिर उनको भूख लगती नहीं है, जबरन खाना खाना पड़ता है, या फिर थोड़ा खाना खाया तो पेट बहुत पेट फूल जाना, ढकार खट्टी आना, उसके साथ साथ एसिडिटी होना और पेट फूलना। तो कुछ लोगों को होता क्या है कि पेट में काफ़ी सारी गैसेस हो जाती है, और फिर एक सरीखे वो उनको गैसेस निकलती है तो भी सोशली भी अच्छा लगता नहीं है, कहीं आते जाते हैं बाहर तो वो गैसेज आते रहते, उनको अच्छा लगता नहीं है, पेट भी ठीक रहता नहीं है, पेट ऐसा मोटा मोटा सा वजनदार रहता है, ज़्यादा खाना भी नहीं खाया तो भी पेट में बहुत भरा हुआ ऐसा लगता है। तो कुछ लोगों को ज़्यादा संडास आती है, बार 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 लेटरिन में जाना, कम से कम 5-6 बार जाना, या फिर कुछ लोगों को संडास ही नहीं आती। कुछ लोगों को संडास जब ज़्यादा आती है तो उसमें ऐसा स्टिकीनेस रहना, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाना, या फिर संडास में बहुत ज़्यादा समय तक बैठना, मतलब 10-15-20 मिनट बैठने के बाद में उनका संतोष नहीं होता, समाधान नहीं होता कि संडास लैट्रिन हो गई करके। या कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, उनको दिन में बहुत मुश्किल से एक बार संडास होती, बहुत मुश्किल से 2-3 दिन में एक बार भी हो सकती है, तो उनको लैट्रिन साफ नहीं होना, और फिर पेट भरा भरा सा रहना और खाली नहीं होना जल्दी। तो ऐसे लक्षण जो है, तो ये लोगों के दिमाग में टेंशन आने के बाद में उन्होंने पेट चुन लिया है, मतलब पाचन संस्था चुन लिया है। वैसा उनको कोई वजन कम नहीं होता, मतलब वैसा कोई वजन कम हो गया भाई, कम खाना खाया तो ऐसा नहीं, मतलब खाना बिना खाते रहते हो, मगर उनको ऐसा भूख नहीं लगती कि खाऊं करके, ऐसी इच्छा नहीं होती बाकी लोगों जैसी, थोड़ा खाना खा लिया उनको लगता है ठीक है, और समझो एक आधी बार बैठ भी गए तो भी खाना भी अच्छा खा लेंगे वो, मगर उनकी कंप्लेन नहीं रहती, मेरे को भूख नहीं लगती, खाने में टेस्ट नहीं आती, मज़ा नहीं आता खाने में। तो इसमें पाचन संस्था का ही प्रॉब्लम है, और उनके ब्रेन ने स्ट्रेस के समय पाचन संस्था को चुन लिया।
अब पचन संस्था के डॉक्टर के पास में, मतलब गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास में जाके लोग इसका इलाज करते रहते हैं। उनको लगता है कि ये बीमारी पेट की है, इसलिए पेट विकार तज्ञ जो उनके पास में जाते रहते हैं, और पेट विकार तज्ञ उनको पूरा तपासते हैं, अंदर बाहर से एंडोस्कोपी करते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं, सब तरह की स्कोपीज होने के बाद में भी कुछ निकलता नहीं है। फिर रिपोर्ट आता है कि थोड़ी सूजन है पेट में, और फिर उनको दवा देते हैं, और दवा में ऐसी दवाइयाँ होती है कि जिसमें ब्रेन को रिलैक्सेशन मिले, मतलब नशीली दवाई होती है, इन शॉर्ट जो हम लिखते हैं एज ए साइकेट्रिस्ट, हम लिखते हैं वो दवा, वो लिखते हैं या एसिडिटी कम करने दवा लिखते हैं। फिर लोग एसिडिटी कम करने के लिए लोग दवाई खाएंगे, थोड़ी एसिडिटी कम हो जाएंगी, मगर फिर और दवाई खाना पड़ेगा क्योंकि दवाई का असर निकल गया, और दवाई हो जाएंगी, मज़ा नहीं आता है, फिर नींद अच्छी नहीं लगती है, पेट फुला फुला सा लगता है, सुबह सुबह लैट्रिन नहीं होती, फिर उनका जीवन ऐसा डिप्रेशन का हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं वो लोग। उनको पूछा कि भाई तनाव क्या है, तनाव कुछ नहीं बोलते, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर ये प्रॉब्लम क्यों है। उनको काउंसलिंग में बहुत खोदना पड़ता है, डीप जाना पड़ता है काउंसलिंग में, और डीप खोदने के बाद में फिर मालूम पड़ता है कि एक एक चीज़ बाहर आती है, और बाहर चीज़ जो आती है ना उसमें माइक मालूम पड़ता है कि इनऑथेंटिसिटी क्या है। इनऑथेंटिसिटी मतलब अप्रामाणिकता कौन सी है, क्या अप्रामाणिकता लेके वो काम कर रहे हैं, कहाँ वो प्रामाणिक नहीं है आपके लाइफ में। नंबर दो, कहाँ वो खुद के ऊपर प्यार नहीं करते, खुद को हेट करते हैं, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा वैसा है, मेरा ऐसा है, खुद को कम समझना, खुद को अच्छा आदमी नहीं समझना, खुद को छोटा समझना, खुद के बारे में अच्छा मत नहीं होना, लोगों के ऊपर प्यार नहीं करते, लोगों के बारे में हरदम कंप्लेंट रहती है, शिकायत रहती है लोगों को, और उनको भी अच्छा नहीं समझते लोग, तो वो होते रहता है। लोगों के साथ में साथ साफ बातें नहीं करते, मतलब उसको बोलते हैं कि भाई बातचीत जो है ना वो क्लियर नहीं, लोगों के मतलब लोगों से थोड़ा सा रोक के बात करेंगे, मतलब खुली बात नहीं करेंगे किसके भी साथ में। उसके मन में सामने वाले के बारे में चीड़ है, द्वेष है, या गुस्सा आया हुआ है, बोलेगा नहीं वो सामने वाले को, मन में रखेगा, और मन में रखे तो उसका फिर फुगा एक दिन फूट जाता है। तो ये ऐसे कारण। फिर लॉसेस, धंधे में बहुत बड़े लॉस हो चुके हैं, या घर में बहुत बड़े जिम्मेदारी है, लड़कियों की शादी है, फिर हस्बैंड वाइफ की पति पत्नी की पट्टी नहीं है, उसमें होगा कुछ, तभी सेक्सुअल प्रॉब्लम होते रहते, कहीं बता सकते नहीं है, सेक्सुअली डिससेटिस्फाइड रहते हैं, और उसकी वजह से ऐसा होता है कि लैंगिक समस्या है, उसमें कुछ इलाज करते नहीं है, और उसकी वजह से फिर पेट का मतलब दिमाग में टेंशन है, उसकी वजह से पेट का प्रॉब्लम, तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लोगों को आते रहते हैं। उसका इलाज जो है वो तो टेम्पररी पेट की दवा देके, वो जो गैसेस है और जो एसिडिटी है उसका तो इलाज करना ही है, वो जो ढकार आ रही है उसका तो इलाज करना ही है दवाइयाँ देके, मगर वो टेम्पररी इलाज है। उसका इलाज यदि हम अंदर जाके मतलब उसमें सोर्स में जाके देखते हैं कि भाई ऐसा ये टेंशन क्या है, ये ब्रेन के ऊपर मतलब सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, खुला क्यों नहीं है, पूरी आत्माभिव्यक्ति क्यों नहीं है, दबदब के दबोच के क्यों जिंदगी जी रहा है, अंदर चल रहा क्या है, क्या उसको अच्छा नहीं लगता अपने खुद के बारे में, लोगों के बारे में, क्या टेंशन लेके क्या टेंशन वो पाल रहा है, मतलब क्या कर रहा है उसका। हम जब काउंसलिंग में डील करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, जब उसको समझ में नहीं आता, जब ख्याल में नहीं आता, तो उसको हिप्नोटाइज करते हैं, उसमें की बातें निकालते हैं, क्या उसको डिप्रेशन है, क्या हो सकता है कि निराशा है, उदासीनता है, उसकी वजह से उसको पेट का प्रॉब्लम आया हो, एंग्जाइटी है उसकी वजह से पेट का प्रॉब्लम आया है, तो फिर क्या है क्या, वो देख के उसका इलाज करते हैं, उसको हिप्नोटाइज करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और फिर उसमें वो अच्छा हो जाता है। और काफ़ी सारी फाइलें जब मेरे पास में लेके आते हैं ना लोग, ऐसे 10-10 फाइल लेके आते हैं, 10-10 डॉक्टरों के पास में घूम फिर के आके अलग अलग सब टेस्ट की रहती हूँ उन्होंने, मतलब मेरे पास में जब आते हैं तो कोई टेस्ट बची नहीं है, सब नॉर्मल है, और तकलीफ तो है ही, डॉक्टर उनको बोलते तुमको कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ तो भी तकलीफ काहे की, झूठ बोल रहा है आदमी, झूठ तो नहीं बोल रहा है, फिर कुछ तो हुआ है, कुछ नहीं हुआ कैसे, उनका कहना रहता है कुछ नहीं हुआ मतलब यहाँ कुछ नहीं है खराबी, खराबी यहाँ है और यहाँ की खराबी यहाँ जा रही है, तो वो देखना वो जरूरी है। काफ़ी सारे लोग होंगे, लाखों लोग हैं कि जिनको पेट का प्रॉब्लम है, लाखों लोग हैं, और वो इधर से उधर घूम रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपके संपर्क में जितने लोग होंगे जिनको पेट का प्रॉब्लम होगा ना, इनको ये जो है ना वीडियो ये शेयर करो, फैला दो इसको, आपके ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर कर दो, फैला दो, ताकि वो कंसर्न डॉक्टर को मिलके उसका इलाज कर सकेंगे। वो कोई पागलपन, लोग क्या बोलते हैं मेरे को पागल, मैं पागल थोड़ी हूँ साइकेट्रिस्ट में जाने के लिए,
मैंने, भाई पागल नहीं है तुम, अगर टेंशन है इसलिए साइकियाट्रिस्ट का इलाज कर ले, तो वो करेंगे लोग और अपना जीवन अच्छा करेंगे, पावरफुल लोग जिएंगे। आपको अच्छा लगा तो जरूर ये वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ एक बेल का चिन्ह आता है तो उसके ऊपर आप प्रेस करो, क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।